तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नवीन फ्लोरिन के स्टॉक के बारे में। नवीन फ्लोरिन के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर रिकवरी के बाद भी यहाँ पर स्टॉक अपने प्रीवियस हाई का ब्रेक नहीं कर पाया और अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.16% की यहाँ पर गिरावट देखने मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 3572 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 3467, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3357 एंड देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 3300 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 3646 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 3745, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3984 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 4194, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 4369 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।